हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कुछ ही दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे थे कि क्या हम क्लोमिड को कंसेप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं। सो आज की इस वीडियो में हम क्लोमिड के बारे में जानेंगे, क्या आप क्लोमिड को एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के हिसाब से ले सकते हैं नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लोमिड क्यों यूज़ करते हैं, क्लोमिड कैसे काम करता है, इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, कब आप इसको ले सकते हैं और ये इतना पॉपुलर क्यों है, और साथ ही साथ ये भी मैं बताऊँगी कि अगर आप क्लोमिड ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कब आपको रिलेशन में रहना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है और इन्फॉर्मेटिव है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अनुराधा के आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तुरंत पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्लोमिड, जिसको कि हम क्लोमिफिन साइट्रेट भी बोलते हैं, ये एक बहुत ही पॉपुलर ड्रग है और बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है जिसको कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ये कब यूज किया जा सकता है, जो महिला है इरेगुलर ओवुलेशन या फिर पीसीओडी से है तो इन्हीं को ही दिया जाता है। ये ओवुलेशन इंड्यूस करने में मदद करता है। ये ओरली भी दिया जाता है, यानी कि टैबलेट के थ्रू दिया जा सकता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जा सकता है। ये कैसे काम करता है, जनरली ये क्या करता है ना, आपके बॉडी में जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो उसको कम कर देता है। एस्ट्रोजन का लेवल कम होने से वो आपके ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक मैसेज भेजता है। तो एस्ट्रोजन के कमी के होने के कारण वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर और लुटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि ओवुलेशन में मदद करते हैं और जो कि ओवुलेशन यानी कि एग को मैच्योर करने में और उसको रिलीज करने में मदद करते हैं, वो सब हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए आपके बॉडी में ओवुलेशन हो जाता है। इसका सक्सेस रेट बहुत ही हाई है, 80% से लगभग है। जो भी पेशेंट्स इसे लेते हैं, 80% महिलाएँ सक्सेसफुली ओवुलेट करते हैं। लेकिन अगर कुछ और इनफर्टिलिटी इशू है आपको, जैसे कि ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, ओवरियन फेल्योर या फिर यूटरिन ब्लॉकिंग है, तो आप इस क्षेत्र में ये दवाई आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जनरली ये उन्हीं पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया जाता है जिनके ओवरी में बहुत सारे अंडे तो होते हैं लेकिन वो समय पर रिलीज नहीं होते या फिर मैच्योर नहीं हो पाते हैं। क्लोमिड आपको जनरल जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। जनरली वो 2 to 3 साइकिल्स या फिर मैक्सिमम 6 साइकिल्स तक ये आपको देते हैं। अगर 2 साइकिल के बाद, 3 साइकिल के बाद या फिर मैक्सिमम 6 साइकिल के बाद आपका कंसीव नहीं कर पाते हैं तो वो कुछ और ट्रीटमेंट के लिए आपको रेफ़र करते हैं। ये कैसे दिया जाता है, जनरली इसका 50 मिलीग्राम का टैबलेट आता है जो कि आप पीरियड्स के स्टार्टिंग से 3 से लेकर 7 डेज को लेते हैं या फिर 4 से लेकर 8 डेज तक या फिर 5 से लेकर 9 डेज तक आप ले सकते हैं, 5 दिन तक लेते हैं। अगर आप स्टार्ट करते हैं 3 से लेकर 5 डेज तक तो आपका जो ओवुलेशन है वो 14 यानी कि 15 दिन तक हो जाएगा, तो आप रिलेशन में 11 से लेकर 18 दिन तक रहिए। अगर आपको प्रिस्क्राइब किया है क्या है 4 से लेकर 8 दिन तक, तो आपका ओवुलेशन 15 से लेकर 16 डे तक होगा और आप 12 से लेकर 19 डे तक रिलेशन में ज़रूर रहिए। अगर आपका डॉक्टर ने आपको 5 डे से लेकर 9 डेज तक ये दवाई लेने को प्रिस्क्राइब किया है तो आपका ओवुलेशन 16 या फिर 17 डे को होगा, तो आप 13 से लेकर 21 डेज तक रिलेशन में रहना चाहिए। तो साइड इफ़ेक्ट जो होता है क्लोमिड का वो बहुत ही नॉर्मल और माइल्ड होता है, जैसे कि नौजिया या फिर स्लाइट ब्लोटिंग होता है, कभी कभी वोमिटिंग होता है और साथ ही साथ हेडक होता है और हॉट फ्लैशेस होता है। इसका कोई भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसीलिए ये बहुत ही पॉपुलर ड्रग है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है क्लोमिड का वो है कि ये मेल इनफर्टिलिटी में भी जाता है। जिन पुरुषों का आपका जो लो स्पर्म काउंट है, इन इस क्षेत्र में उनके पार्टनर यानी कि उनको वाइफ को ये क्लोमिड दिया जाता है ताकि वो मल्टीपल एग रिलीज कर सके, तो उनका चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एग एंड स्पर्म फर्टिलाइजेशन ज़्यादा बढ़ सके। लेकिन इसमें भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन्स या फिर ट्रिपलेट भी हो सकता है, जो कि बहुत रेयर है। सो क्लोमिड एक बहुत ही फ़ायदेमंद दवाई है। ये इतना फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि ये IVF या फिर IUI ट्रीटमेंट से बहुत ही ज़्यादा चीप होता है, साथ ही साथ इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है। ये एक फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट है फर्टिलिटी के लिए
और ये जनरल जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इन इसको प्रेस्क्राइब करने के लिए कोई भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी का ज़रूरत नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लोमिड के बारे में आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा। तो कैसा लगा है आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।